फ्रेंड्स, बात करेंगे योगा पर। हम योगा डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? योगा मीन्स एडिशन ऑफ स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड ब्यूटी। तो चलो करते हैं योग और बनाते हैं अपने को निरोग। हेलो लिटिल फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? मैं चेष्टा आर्या आज आपके इस योगा सेगमेंट में स्वागत करती हूँ। तो आज हम सीखेंगे कुछ आसन जो हमें लेट करके करने हैं, जो कि हमारी स्पाइन को बहुत मोबिलाइज करेंगे और हमारे वेट को कम करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, किसी भी आसन को करने से पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम करना ही करना है, क्योंकि कोई भी आसन करने से पहले आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, आपकी बॉडी वार्म अप होनी चाहिए, जिससे कि इंजरी के चांसेस कम होते हैं। तो आइए देखते हैं चतुरंगा दंडासन करना कैसे है। पहला आसन हमारा चतुरंगा दंडासन यानी कि प्लैंक पोज है। तो आइए देखते हैं इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले आप अपनी एक मैट ले लीजिए, मैट पर बैठ जाइए और इस प्रकार से बैठिएगा। अगर आपको कोई भी घुटने की प्रॉब्लम है या फिर हथेलियों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये आसन ना करें। तो अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले आप घुटने पर खड़े हो जाइए और धीरे से हैंड्स को आगे लगे रखिए। अब धीरे धीरे एल्बो पर जाएंगे और आपका ध्यान रहे कि दोनों हाथ जॉइन नहीं होने चाहिए, अलग होने चाहिए। अब दोनों एक एक पैर के पंजों पर हम जाकर पूरा वेट डाल देंगे। यह आसन 3 से 4 सेकंड पहले करें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब इसी को वापस करने के लिए हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अब धीरे से पंजों पर आना है और वापस से हमें हमारे प्लैंक पोज में जाना है। यह आसन हम 3 बार प्रयास करेंगे। हर आसन को 3 बार प्रयास करना जरूरी होता है। अब आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। दोनों हाथों को पीछे ले जाकर अब आप रेस्ट करिए। जैसे ही श्वास की गति धीमी हो तब फिर से वापस आ जाइए। तो बच्चों, आज का दूसरा आसन है शलभासन यानी लॉटस पोज। यह आसन आपको कमर दर्द से मुक्त करता है और साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। तो चलिए देखते हैं इसको करना कैसे। यह करने के लिए आप मैट पर सीधे ले जाएंगे पेट के बल, तब हम इसको करते हैं। तो यहीं पर आपको आपके चेहरे को सामने रखना है और दोनों हाथों को पीछे लेकर जाना है। अब आप धीरे धीरे एक पैर को ऊपर लेकर जाइए। सबसे पहले राइट लेग ऊपर लेकर जाएंगे एक्सहेल करते हुए। अब धीरे धीरे वापस आइए। ऐसे ही लेफ्ट लेग को लेकर जाएंगे, फिर वापस आएंगे। यह एक पदा शलभासन है। ऐसे ही इसी प्रोसीजर को 3 बार रिपीट करेंगे। वापस इनहेल गो, वापस इनहेल गो, वापस इनहेल गो, वापस। अब हम करेंगे पूर्ण शलभासन। तो पूर्ण शलभासन करने के लिए हमको दोनों हाथ जांघों के नीचे रखने हैं और हाथों की मदद से दोनों पैरों को हवा में लेकर जाएंगे।
इनहेल करते हुए ऊपर जाइए, वापस, फिर से जाइए, वापस, फिर से जाइए। अब धीरे धीरे आप आपके हाथ वापस निकालिए और हाथों को शोल्डर के पास लाते हुए धीरे से आप वज्रासन में आकर बैठ जाइए। तो बच्चों चलते हैं आज के तीसरे आसन की तरफ। आज का तीसरा आसन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी है, तो सोचिए कौन सा होगा। जी हाँ, तो आज का तीसरा आसन है शवासन। शवासन करके हम अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, क्योंकि आज हमने दो आसन बहुत ही मेहनत वाले किए हैं, तो अब हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस आसन को करना कैसे है। अब आप धीरे से अपने पैरों को बाहर ले आएंगे और धीरे धीरे रिलैक्स कीजिए। काफ़ी थक गए होंगे ना। ओके, अभी हम लेटने की प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी कि शवासन करने वाले हैं। धीरे धीरे अब आप लेट सकते हैं। तो अब आपको धीरे धीरे ध्यान रखना है कि आपके दोनों हाथ और दोनों पैर बॉडी से अलग होने चाहिए और हाथों को ओपन करके रखना है। अब धीरे धीरे इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। ध्यान रहे आपने जितनी मेहनत करी है, अब बॉडी को उससे रिलैक्स करना है। अब हम याद रखेंगे कि हमें इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। चलिए करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब आप धीरे धीरे इनहेल करते करते दूसरा टास्क भी करेंगे, यानी कि हम अपनी हर बॉडी पार्ट पर ध्यान देंगे। आइज, नोज, ईयर्स, लिप्स, टीथ, धीरे धीरे शोल्डर्स। अब धीरे धीरे हम नीचे आते हैं। एल्बो, फिंगर्स, टमी, नीज, टो फिंगर। फिर से इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, इनहेल करिए, अब एक्सहेल करिए। धीरे धीरे आपको आपका ध्यान अपने दोनों आँखों के बीच में लगाना है और 2 से 3 मिनट इसी को करना है। ध्यान लगाते हुए आपको ध्यान रहे कि आप इधर उधर की आवाज़ें बिल्कुल भी ना सुने, यानी कि उसको इग्नोर करें और सिर्फ आप आपका डे प्लान कर सकते हैं, आपको आपका दिन में क्या क्या करना है, लेकिन शांत रह के अपने दिमाग को शांत करना है, स्थिर करना है और आपको आपका फ्यूचर के लिए, आपके लिए इसको प्लान करना है। फिर से इनहेल करिए, फिर वापस से एक्सहेल करिए। इनहेल, एक्सहेल। आप किसी भी नेचुरल चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, मून, सन, ग्रीनरी, ट्रीज, किसी भी नेचुरल चीज़ों के बारे में आप सोचिएगा और अपना डे की स्टार्टिंग काफ़ी अच्छे तरीके से करने की कोशिश करिएगा। अब हम धीरे धीरे वापस आएंगे। तो अब हम आप अपने हैंड्स को धीरे धीरे हल्का हल्का हिलाएंगे। अब आप धीरे से अपने हैंड्स को पास लाइए और आपकी सारी एनर्जी को खुद ही की बॉडी में ले जाने के लिए हैंड्स को रब करिए। हैंड्स को रब करने के बाद इसको धीरे से अपने फेस पर लगाइए और स्लोली स्लोली मसाज करिए। इससे आपकी पूरी बॉडी में आपकी गुड एनर्जी आपकी बॉडी में चला जाएगा। अब धीरे धीरे आप आपकी आँखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे आपकी आंखें खोलिए और अब आप
लेफ्ट साइड से उठकर वापस से बैठ सकते हैं। अब बॉडी को धीरे धीरे लेफ्ट साइड में लेके जाइए और इस प्रकार से वापस बैठ जाइए। तो बच्चों, इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।